चलें जी, वेलकम बैक, खुश आमदीद एक बार फिर तमाम दोस्तों को, भाइयों को। साइगा प्रीमियर लीग का फाइनल मैच, उसकी हाईलाइट जो है वो आपको दिखाई जा रही है इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में। इमरान नज़ीर 11 बा मुकाबला आबद अली 11 के दरमियान खेला जा रहा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट जारी और सारी है और कमाल की क्रिकेट हुई है। दोनों टीमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयरों पर मुश्तमिल है और इस लीग का फाइनल मैच जो है वो आपको दिखाया जा रहा है। खुर्रम शहजाद पहला गेंद करेंगे, उठाकर खेला है इमरान नज़ीर ने पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या क्लास को शो किया है और वेलकम, खुश आमदीद इमरान नज़ीर को फैसलाबाद की सरजमीन पे और क्लास को शो करते हुए। पहली बार फैसलाबाद की सरजमीन पे क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद आए हैं और आते ही बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है, क्रिकेट में वापसी की है और फाइनल में क्वालिफाई किया है। खुर्रम शहजाद जो सदरम पंजाब की नुमाइंदगी ही कर चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और कमाल की बल्लेबाजी खुर्रम शहजाद। नेक्स्ट गेंद करेंगे, वेरी वेल बॉल, यहाँ पे लॉन्ग ऑन की जाने फील्डर मौजूद हैं और यहाँ पे डॉट गेंद खेला गया है। इमरान नज़ीर आल पाकिस्तान क्रिकेट के सुपर स्टार प्लेयर हैं, सुपर स्टार बल्लेबाज हैं और अपनी जारहाना बल्लेबाजी की बदौलत बहुत सारे फैंस वो पूरी दुनिया में बनाए हुए हैं इमरान नज़ीर ने। और यहाँ पे बड़ा अच्छा कैच लिया है अकरम ने, बड़ा अच्छा कैच लिया है यहाँ पे, कमाल की बॉलिंग खुर्रम शहजाद की जानिब से और पहली विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं इमरान नज़ीर। यहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं और उनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, लेफ्टी बैट्समैन और जिनको क्रिस गेल का नाम दिया गया है, क्रिस गेल का नाम दिया गया है और मोहम्मद यूसुफ के भतीजे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, लेफ्टी बैट्समैन जो इमरान नज़ीर का साथ दे रहे हैं और इमरान नज़ीर आउट हुए हैं यहाँ पे और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी और आपने हमारा साथ देना है, वीडियो को शेयर करना है। 3 गेंदें खेली इमरान नज़ीर ने, 6 रन बनाए हैं और फैसलाबाद ईगल की नुमाइंदगी करते हुए फैसलाबाद ईगल के कप्तान इमरान नज़ीर। और यहाँ पे बड़ा अच्छा कैच लिया है अकरम ने, रीप्ले दिखाया गया है। राइजिंग स्टार हैं अभी, अंडर 16 प्लेयर हैं और ज़ियाउल हक आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए और इस मैच का जो है वो दूसरा ओवर करने के लिए। पहला ओवर खुर्रम शहजाद ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी को समेटा है 6 रन में और यहाँ पे 2 विकेटें हासिल कर ली हैं, क्या बात है। यहाँ पे खुर्रम शहजाद की और कमाल का शॉट गया है पॉइंट लग की जानी 4 रन के लिए। सनी बिलाल बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, बिलाल लेफ्टी और क्रिस गेल कहा जाता है इन्हें पाकिस्तान की क्रिकेट का और क्या क्लास की परफॉर्मेंस इनकी जान से आती है। और बड़ा अच्छा गेंद, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग ज़ियाउल हक की जानिब से, ज़ियाउल हक पाकिस्तान बिलाल सनी है बैट्समैन जी, जी जी, और बड़ा अच्छा शॉट खेला है बिलाल सनी, क्या बात है जी, 2 रन तेजी के साथ कंप्लीट किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। नेक्स्ट गेंद उठाकर खेला है, बैट्समैन है शबास और यहाँ पे 4 रन आए हैं, 4 रन बने हैं जी, क्या बात है, कमाल की क्लास को शो करते हुए दोनों ही बैट्समैन। और ये बड़ा अच्छा मौका है राइजिंग स्टार प्लेयरों के पास, बहुत अच्छा मौका है कि अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं, अपने सलाहियतों को शो कर सकते हैं। ज़ियाउल हक आए हैं और यहाँ पे रीप्ले दिखाए गए, वाइड बॉल कॉल है जी अंपायर जी। चले खुर्रम शहजाद, बड़ा अच्छा गेंद खुर्रम शहजाद की जानिब से, निकल कर खेलना चाह रहे थे और भाई यहाँ पे ऐसे शॉट नहीं लगेगा, मिडल करना होगा, क्या कमाल का बॉल डाल दिया यार शहबाज, इस वक्त तो मुश्किलात का शिकार। बड़ा अच्छा गेंद ऑफिंग हुआ है, चलें जी, क्लास का शॉट, ये बुलंदों वाला छक्का गया है मिड विकेट की जगह, एक्सीलेंट बल्लेबाजी, एक्सीलेंट बल्लेबाजी बिलाल सनी की जानिब से। और लाहौर राइजिंग स्टार भी खेल चुके हैं, लाहौरी कलंदर का हिस्सा रह चुके हैं बिलाल सनी, मोहम्मद यूसुफ के भतीजे हैं और एक बार फिर यहाँ पर बढ़िया शॉट गया है पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से और पॉइंट का फील्डर क्रॉस किया है
और बड़ा अच्छा शॉट, वन बॉल से शॉट गया यार, क्या क्लास है बैट्समैन, और बड़ा अच्छा शॉट। एक बार फिर तेजी के साथ बॉल ने बाउंड्री लाइन क्रॉस किया है, चार रन मजीद मिले हैं और यहाँ पे बेहतरीन रन वसूल करते हुए सनी आजम, बिलाल सनी, और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं और नेक्स्ट गेंद करेंगे। क्या बात है जी, यहाँ पे थर्ड मैन की जानिब खेला है चार रन के लिए, यॉर्कर लेंथ गेंद था, उसको थर्ड मैन की जानिब पहुँचाया है, थर्ड मैन का फील्डर जो था वो, और शॉट लिया गया था, शॉट थर्ड मैन था वो, और एक और बड़ा अच्छा शॉट जी शबाज के बल्ले से आ गया है, शबाज के बल्ले से दूसरा चौका जियाउल हक, दो ओवर में काफ़ी रन दे चुके हैं, और यहाँ पे आसिफ अफरीदी मेरे ख्याल में बॉलर हैं, फुल टॉस की, नो बॉल पे चार रन आए हैं यार, क्या बात, नो बॉल पे चार रन बने हैं, और यहाँ पे बिलाल सनी जो हैं वो इस तरह के गेंद नहीं छोड़ते, इस तरह के गेंद नहीं छोड़ते, और यहाँ पे बेहतरीन क्लास को शो करते हुए आसिफ अफरीदी पहली विकेट लेने में कामयाब हुए हैं, और आसिफ अफरीदी का नाम भी जो है वो पाकिस्तान टीम में आया है, बेहतरीन बॉलर हैं ये भी, और पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हो चुके हैं, आसिफ अफरीदी भी, उस्मान कादर आए हैं नए आने वाले बॉलर, और यहाँ पे व्हाट अ बॉलिंग यार, ग्रेट बॉलिंग, रिप्ले दिखाया जाएगा एक बार फिर आपको, जहाँ जेब है फैसलाबादी, जहाँ जेब विकेट कीपिंग ट्राई सर अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ पे बड़ा अच्छा उसको थर्ड मैन की जानिब खेलने की कोशिश, जबरदस्त क्रिकेट, जबरदस्त क्रिकेट चलें जी, बहुत ही बढ़िया शॉट, जबरदस्त कलेक्शन यहाँ पे, जबरदस्त मिडल किया है छह रन के लिए, लॉन्ग ऑन की जानिब कमाल का शॉट है, और जिन भाइयों ने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया यार, पेज को फॉलो जरूर करें और हमारा साथ दें क्रिकेट को प्रमोट करने में, क्योंकि हमारे चैनल का जो विजन है कि गरीब क्रिकेटर भी बनेगा इंटरनेशनल स्टार, और यहाँ पे बड़ा अच्छा शॉट आया जी, यहाँ पे स्वीप किया है और चार रन आए जी, क्या जबरदस्त सिलेक्शन थी, शॉट सिलेक्शन थी, और बढ़िया बल्लेबाजी यार है बिलाल सनी, क्या बैट्समैन है यार है, और अक्रम आए हैं गेंद करेंगे नेक्स्ट गेंद, और बड़ा अच्छा शॉट खेला है, एक और ज़बरदस्त शॉट खेला है चार रन के लिए, ज़बरदस्त क्रिकेट हो रही है, और चलें जी बड़ी विकेट का नुकसान, बढ़िया विकेट यहाँ पे, एक्सीलेंट यहाँ पे विकेट को हासिल किया है, अगर बिलाल सनी कुछ देर और क्रीज पर रहते तो मैच जो था वो मैच का रुख कुछ और होता, अगर और थोड़ी देर खेलते तो, और यहाँ पे एक सिंगल, एक छक्का, एक चौका, उसके बाद विकेट हासिल किया है, चलें जी यहाँ पे बड़ा अच्छा कैच लिया है, और बड़ा अच्छा कैच उस्मान कादर ने, बड़ा अच्छा गेंद किया, और आबद अली थे वहाँ पे फील्डर, और बड़ा ज़बरदस्त ड्राइव लगा के कैच लिया है, और यहाँ पे कामयाबी मिली है उस्मान कादर को, पहली कामयाबी, और एक्स्ट्रा कवर की जानी रूम बनाकर शॉट मारा है जी चार रन के लिए, अकरम बॉलर लेग ब्रेक कर रहे हैं गेंद, उस्मान कादर हैं लेग ब्रेक, और यहाँ पे बड़ा तगड़ा गेंद डाल दिया है, और यहाँ पे अब देखना होगा जी, ये मेरे ख्याल में स्टंप होंगे, चलें जी स्टंप आउट कर दिया ये, स्टंप आउट, चलें जी, और एक बार फिर यहाँ पे बड़ी अच्छी बॉलिंग, लेग भी फोर हुए हैं, लेग भी फोर हुए हैं नए आने वाले बल्लेबाज, और यहाँ पे एक बार फिर यहाँ पे 121 पर नो आउट, जियाउल हक को पहली कामयाबी, चलें जी उठा कर खेला है यहाँ पे, बड़ा अच्छा एक और विकेट, आसिफ अफरीदी दो विकेट लेने में कामयाब हुए हैं, और इसी के साथ 29 रन से ये मैच जो है वो विन कर लिया है, इमरान फरद 11 ने ये मुकाबला विन कर लिया है 29 रन से, और बहुत ही ज़बरदस्त एफर्ट है जी, फैसलाबाद नाइट राइडर चैम्पियन है जी, फैसलाबाद नाइट राइडर चैम्पियन, वीडियो को शेयर करना है आपने और हमारा साथ देना है क्रिकेट को प्रमोट करने में, क्योंकि हमारे चैनल का जो विजन है कि गरीब क्रिकेटर भी बनेगा इंटरनेशनल स्टार,
और आपने हमारा साथ देना है और मिलकर जो है वो पाकिस्तान के प्लेयरों को जो है वो सपोर्ट करनी है और क्रिकेटर्स को जो है वो सपोर्ट करनी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो है वो वॉच किया आज का मैच। और अब जो है वो रनर अप कैप्टन इमरान नज़ीर को बुलाया गया है, रनर अप कैप्टन, रनर अप ट्रॉफी को वसूल करें। इमरान नज़ीर काफ़ी देर के बाद जो है वो कमबैक किया है क्रिकेट में और उसी के साथ आबद अली भी विनर कैप्टन जो है वो आबद अली और इमरान फरद दो मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं। और इमरान नज़ीर जो है वो इस इवेंट के बारे में अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं कि फैसलाबाद के अंदर जो है वो कैसा इवेंट हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट जो है वो देखने को मिली, बहुत सारा टैलेंट जो है वो प्रमोट हुआ है और बहुत सारे लड़के शो हुए हैं इस साइगा प्रीमियर लीग फैसलाबाद से। और आपने वीडियो को शेयर करना है और जिन भाइयों ने पेज को फॉलो नहीं किया पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते जाएं। और अब देखते हैं जी, ये हैं जी विनर कैप्टन इमरान फरद, क्या बात है जी, क्लास को शो किया है इमरान फरद 11 ने और तमाम प्लेयरों ने क्या क्लास शो की है और ये फाइनल मुकाबला विन किया है फैसलाबाद नाइट राइडर ने। और आपने वीडियो को शेयर किया, बहुत शुक्रिया।